अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार में मैं हूं दिनेश वर्मा। बहुत कम ही देखने को मिलता है कि महिला वकील, यहां जितने भी लोग दिख रहे हैं, यहां पुरुष वकील तो देखने को मिल रहा है। लोग काले कपड़े में इधर से उधर जा रहे हैं, सारे काम चल रहा है। आज चूंकि यहां चुनाव भी है इसलिए हम यहां आए हुए हैं, चुनाव की प्रक्रिया यहाँ हो रही है। हमारे साथ हैं रीना और हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाएं वकालत में क्यों नहीं, और क्या इनके साथ में सच में यहाँ कोई समस्या होती है, यहाँ किस तरह की समस्या आप लोग को दिखने की? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जो लड़कियां, जो महिलाएं फील्ड में काम कर रही हैं, वो अगर वो समस्या को लेके साथ चलेंगी तो कहाँ वर्क कर पाएंगी ना। हमको पुरुषों के साथ में चलना है, अगर उनके तो साथ में लगता है कि अब कदम से कदम मिला रहे हैं महिलाएं? बिल्कुल मिला रहे हैं। कहाँ, तो शासन भी सपोर्ट कर रही है, महिलाओं को आरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है, तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ आप LLB करके आए? अच्छा, ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। यहीं से किया आपने? यहीं से किया, अपने अनूपपुर जिले से किया है। अपने अनूपपुर जिले से की। तो यहाँ आने का क्या वे है, कैसे, क्या क्या तरीके हैं जिसमें यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, कितने टाइम से प्रैक्टिस? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एग्जाम भी फाइट करना पड़ता है, यहाँ पर प्रोसेस है, फीस जमा होते हैं, एग्जाम्स फाइट करने पड़ते हैं, चार मौके मिलते हैं। आप एग्जाम निकाल लिया है तो आप फिर वकील हो गए हैं, फिर प्रैक्टिस में रेगुलर होना पड़ता है। बहुत से लोग हैं जो पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, घर पर ही हैं, बट प्रैक्टिस करने में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, ये हमारा अनुभव है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है मुझे कि यहाँ केवल पुरुष दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं बहुत कम दिख रही, इसका क्या कारण? आप तो कह रही थी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, डिफेंड। एक बात मैं बोलना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि कोई भी काम गलत नहीं है, सारे काम सही होते हैं, बस आपका लगन किस पे है, आपकी मतलब बोलना चाहिए आपकी चाह किस में है, जिसमें आप चाहो कर सकते। लेकिन ये है कि सपोर्ट भी, फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता, बहुत कम महिलाओं को आगे आती है। मुझे मिला है तो मैं आई हूँ आगे और कर रही। कई बार ये भी देखा जाता है कि हम वकालत में जाना तो नहीं चाहते लेकिन आ गए, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। सेल्फ का, मैं तो अपनी मेहनत से इस पढ़ाई को लिया, घर से फीस भी नहीं ली मैंने, अपनी मेहनत से ही इस फीस भरा है और खुद पढ़ा है और खुद आई हूँ वकालत पे, किसी के सपोर्ट से नहीं है, किसी के कहने पे नहीं, और बहुत मजा आ रहा है। नई नई चीजें जानने को, सीखने को मिल रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि बुद्धिजीवी बोलते हैं ना एडवोकेट्स को, सच में बुद्धिजीवी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जीवन जीने का तरीका, बात सहूलियत, लॉ कानून नियम, बहुत कुछ चीजें पता चलती है यहाँ। बुद्धिजीवी तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा जनता में कहा जाता है कि शब्दों के साथ खेलते हैं वकील, और नियम को जान जाते हैं और नियम के साथ खेलते हैं, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये वकीलों को बदनाम किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, आप गवर्न वकीलों की तरफ से, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई सपोर्ट शासन की तरफ से वकीलों को मिल रहा है। मैं यहाँ पर जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, वकील अपनी मेहनत से जी रही है और अपनी मेहनत से सारा कुछ कर रही है। वकील को बुद्धिजीवी कह करके या फर्स्ट रैंक अधिकारी कहकर बेचारे को साइड कर दिया गया, जिसकी वजह से उसको सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट से, शासन से आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है, कभी ये दे लो कभी ये। एक अच्छी बात यह कि हम सब वकील एक साथ हैं, इस वजह से आज स्टैंड हैं, कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसा नहीं है जो बोल रहे हैं, शब्दों से खेला जाता है, शब्दों से तभी खेला जाता है जब नॉलेज नहीं हो। नॉलेज है कि क्या गलत है क्या सही है, उसको डिफाइन करके सामने लाना, जिस तरह मीडिया कर रही है। मीडिया का अभी बात चल रही थी, आप लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, मैं उसमें बात करूंगी। मीडिया भी यही करने की कोशिश कर रही है और वकील उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि डीपली ज्ञान है उसको, है ना। मीडिया जो ऊपर देख रहा है, जो दुख रहा है सामने से, बस वही कवर अप करती है, वही चीज़ें शो करती हैं। लेकिन जो वकील होता है, जो उसकी गहराइयों को पढ़ता है, स्थिति परिस्थिति से तो घटना होती है, कोई जानबूझ के तो घटना करता नहीं है, तो वही स्थिति परिस्थितियों को क्लियर करके, डिफाइन करके यहाँ पर न्याय। मीडिया के पास जो तथ्य आते हैं, जो तस्वीरें आती है, उसी के आधार पर दिखाती है। उसको ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं कर सकते, उनको पता होता है कि हाँ ये तस्वीरें आई हैं, वो पहले क्लियर कर लेते हैं कि वहाँ से तस्वीरें आई हैं, तो ही वो दिखाते हैं। हाँ नहीं, ये मैं इस ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं किसी को, मैं ये बोल रही हूँ हर पार्ट के दो पार्ट होते, एक अच्छा एक बुरा, वो तो डिपेंड करता है एक वकील के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश है? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि महिलाएं अपना डिसीजन समय पे लें तो शायद आगे बढ़ सकती हैं। टाइमिंग का और डिसीजन का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो समय निकल जाए उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है पीछे। तो कभी ऐसा आपको लगा कि हाँ व्यक्तिगत तौर पे महिला होने के नाते आपको बहुत सारी समस्याएं फेस करना हो या छोटी मोटी कोई? हाँ,
हाँ आया था, और जब मैं पहले वकील होने से पहले एनजीओ वगैरह में थी तो वहाँ पर मैं यही ड्रेसअप पहनती थी, पैंट शर्ट टी शर्ट, सूट नहीं पहनती थी। जब नई नई वकील बनकर आई थी सूट पहन करके, तो कुछ वकीलों से कमेंट्स आया था कि सूट पहनती है, जींस पहन के आ रही है, पैंट पहन के आ रही है, ये तो चलन नहीं है, पैंट ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए। तो मेरा यही कहना है, मैं अपने काम को दिखाने आती हूँ, ना कि अपने आप को। इस तरह की फाइटें की हूँ, बट पहन के अपने वकील ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते। कुछ लोग हैं जिनके नाम नहीं बोलेंगे, बट कैसे लोग, देखिए अब मैं लड़की हूँ, समाज में रहती हूँ, सब तरह के लोग मिलते हैं, तो कमेंट्स आते रहते हैं। अब तक ये लग रहा था कि आम जो जनता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो इस तरह से रूढ़िवादी सोच रखते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह से सोचते हैं। हाँ, ये बात सही बोला आपने कि पढ़े लिखे लोग भी सोचते हैं, आज भी ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे फिर भी इतना बोलेंगे कि इतना सोचते, हो सकता है फिक्र है कि मेरे घर की लड़की है तो ऐसा ना हो। उनको आपने बताया नहीं कि हाँ? नहीं, उनको मैंने एक ही बात बताई है, मुझे अपने काम से मतलब है, फिर मुझे जिसमें कम्फर्ट लगेगा मैं वो पहन कर आकर वो काम करूंगी, मुझे किसी के कहने पे अपने सबको चेंज नहीं करना है। मुझे अगर इस पे कंफर्ट लग रहा है तो मैं इसी ड्रेस में आऊंगी, जिसको भी खराब लग रहा है या शर्म लग रहा है वो अपनी नजरें झुका के मेरे सामने से। ऐसी ये शर्म वाली ड्रेस ही नहीं है जो शर्म आए उनको। हाँ, ये बात सही बोला आपने, शर्म वाली ड्रेस ही नहीं है। और मैं तो चाहती हूँ कि सारी महिलाएं इसी तरह से आए और अदब में आए, जिनकी नीयत गंदी है वो जाए किनारे, हम तो सही है और सही के साथ चल रहे हैं, तो लोग आए बाहर आए काम करें और अच्छा प्रेजेंट करें। क्योंकि एक चीज बताया, जैसे निर्भया जैसे कांड ऐसे ऐसे हुए हैं जो दिल दहला देता है लड़कियों को, हिम्मत भी नहीं बढ़ती आगे बढ़ने की, करने की। ये सारी चीजों को हम छोड़ करके एक सेल्फ डिपेंड बने हमें। आप देर रात जाती होंगी, जल्दी आती होंगी, ठंड में स्पेशली क्या होते हैं कि फोग होते हैं तो आने में समस्या होती है, कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा पर्सनल लेवल पे भी? एक बार करना पड़ा था, बट मैं बहुत लड़ी थी। एक बार हुआ था, मैं कहीं गई थी, देर रात हो गई थी, रास्ते में गाड़ी उतार दिया था कि हम वहाँ तक ले जाएंगे, पुलिस है और ये है, तो वहाँ पर मैंने अपनी फैमिली से भाई को बुला करके गई थी। बट उसके बाद दूसरे दिन मैंने उस पर लड़ाई की थी सारे लोगों से कि ये गलत बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। आज बहुत सारे ये समस्या कहाँ देखने को मिला था आपको? अब लोकल हूँ तो लोकल में ही देखने, हाँ लोकल में ही देखने को मिली थी। इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी ढीली है। अब देखिए, ये मैं नहीं, लेकिन एक बात बोलूंगी, शासन नियम बहुत सारे बनाए हैं, लागू भी किए हैं, बट लोग हमारी बहुत जनता बहुत पढ़ी लिखी है, आपके अनुसार से, मेरे अनुसार से तो नहीं है, और पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा हो गई है कि शायद सारी ज्ञान हो गए हैं उनको, लेकिन मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ किताबों में कागजों में डली हुई है। रियल लाइफ मानते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है? मैं मानती हूँ नहीं है पढ़े लिखे, सिर्फ साइन कर देने से पढ़ा लिखा हो जाता तो LLB पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वकालत करने की जरूरत नहीं, मीडिया प्रभारी को आने की जरूरत ही नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, यानी अपनी सुरक्षा के लिए तो ज्ञान होने चाहिए। महिलाओं को आज भी नहीं पता कि 100 डायल करने से ये होता है, हमें पुलिसकर्मियों से यहाँ आज भी नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। गाँव गाँव में आप जाके इंटरव्यू, बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। नहीं है, नहीं है, बहुत बहुत नहीं है ना, इस बोली ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान की कमी, लोगों के पास जानकारी ना हो रही है। और मान लीजिए है भी, तो परिस्थितियाँ भी आज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, लोगों की सोच भी बदल गई है। अब ये सब चीज़ों से आगे बढ़ना है ना, तो महिलाएं सिर्फ अपने आप को मजबूत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। वोकल न्यूज़ शहडोल।